पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की नए किस्त का हस्तांतरण किया। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले के सभी विकास खंडों के साथ कृषि उत्पादन मंडी समिति के द्वारा नवीन गल्ला मंडी में भी किया गया। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, मंडी सचिव सेवाराम वर्मा सहित अन्य लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य जवाहरलाल कसौधन, मंडी सचिव सेवाराम वर्मा, मंडी निरीक्षक अंकुर श्रीवास्तव सहित मंडी के व्यापारी व पल्लेदार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, पूर्व अध्यक्ष भी रहे विश्वविद्यालय एवं अवध विश्वविद्यालय के, आप अयोध्या के आप मेंबर हैं। हमारे बीच में व्यापारी कल्याण बोर्ड के गर्व का दिन है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और बहुत ही यशस्वी और यशस्वी वक्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उन्होंने का अवसर मिला है। श्री वाजपेयी जी बहुत बड़े राजनेता ही नहीं, बहुत एक अच्छे इंसान भी थे, इसके अलावा बहुत ही ओजस्वी वक्ता भी थे। एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम रहा है, पर इसके अलावा उनका व्यक्तिगत जीवन और एक व्यक्तिगत इंसान के रूप में भी उनकी उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं और उन्होंने बहुत ही ऊंचाइयां छुई हैं। जहाँ तक उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल की बात है, तो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना, भारत के पड़ोसी देशों से जो संबंध सुधार की बात हो, इसके अलावा कारगिल युद्ध और भी जो नई परियोजनाएं और सारी परियोजनाएं चली हैं, सभी में उनका बहुत ही अप्रतिम योगदान रहा है और सभी बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल रहा है जिसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। इससे फिर ये हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही ओजस्वी वक्ता थे और जब वो बोलना शुरू करते थे तो सामने वाले उनकी बातें सुन के ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनकी बातें सुन के ही बहुत ज़्यादा ओतप्रोत हो जाते थे उनकी बातों से। तो इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन कवि और बहुत ही बेहतरीन रचनाकार भी थे। तो हम सबको आज अवसर मिला है
उनकी जयंती पे आज यहाँ पे एकत्रित होने का, तो हम सब उनको नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और हम सब गर्व करते हैं कि हमारे भारत में ऐसा वीर सपूत हमारे भारत में पैदा हुआ है। तो इस अवसर पर आए हुए सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद। इसके अतिरिक्त जो भी किसान भाई यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के कुछ चयनित किसानों से संवाद करेंगे, तो कृपया आप बैठ के वो संवाद का प्रोग्राम भी जरूर देखें। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ व्यवस्था मंडी सचिव और मंडी समिति के स्तर से की गई है, तो आप उस व्यवस्थाओं का भी आनंद उठाएँ। और इसके अतिरिक्त सभी और गणमान्य अतिथियों को और सभी विशिष्टजनों को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पत्र बातचीत करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के श्री करण पेरू जी से आमंत्रित करूंगा। के दो हजार घर के बीमा मिला, दो मिला के मुझे 6,000 मिला। उस पैसे को मैं का दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सके। आपको किस प्रकार से इसका आगे अच्छे फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के अंदर में हमने बेंगलोर में पिछला बार देशा, उसके बाद जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है, जमीन भी उठाई ले जाती है। सर हाल ही में हमने रबतापुर कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा नहीं रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। नमस्कार, बताइए क्या किस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे केंद्र के 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद बीज कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। यानी खेती और पशुपालन के लिए धन का उपयोग करने की योजना बनाया है। अच्छा, भारत सरकार एक किसान क्रेडिट कार्ड देती है, वो आपको मालूम है क्या? आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिला है? मिला है। अच्छा, दूसरा क्या करता है? मुझे 12 मार्च 2019 को क्रेडिट कार्ड मिला है। मैंने 4% के ब्याज दर से बैंक से 27,000 का ऋण लिया है। 20% ब्याज दर से साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था, अब 4% के साथ ब्याज दर से मेरे को ऋण मिल रहा है। और मैं इस धन को बीज खाद कीटनाशक के लिए केसीसी का उपयोग किया है। केसीसी और पीएम किसान की योजना के लाभ से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। नवीन जी, आप प्रधानमंत्री पीक फसल योजना से जुड़े हुए, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अच्छी स्कीम है, उसे हर किसान को फायदा हो रहा है। सर जी, चलिए गणेश जी, मुझे अच्छा लगा आपने सारी योजनाओं का लाभ लिया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ।
देखिए आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है मंडी समिति में, और ये पूरे गोरखपुर में हर एक ब्लॉक पे हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो भारत के कुछ चिन्हित किसान हैं उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी इसके प्रोग्राम के बाद संवाद भी करेंगे, तो उसका भी लाइव प्रसारण यहाँ पर होगा। तो सभी यहाँ पर किसान, व्यापारी और जो भी विशेषजन है वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती, उसके अलावा किसानों संवाद का कार्यक्रम है। जी किसानों को जो चिन्हित किसान हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी माध्यम से संवाद किया जाएगा, और उनके वो अलग से एक पृथक प्रोग्राम है, और यहाँ पे जो किसान एकत्रित हुए हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का संवाद सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित किया गया है, और इसके अतिरिक्त और भी यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, वो भी कार्यक्रम है और अन्य कार्यक्रम भी।